अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नूर महल भावलपुर में और आज आपको विज़िट कराने लाया हूँ नूर महल भावलपुर, जो नवाबों की शान और नवाबों के महलात में से एक आलीशान महल। आज ये महल पाकिस्तान आर्मी के हैंडओवर है और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इस महल को उन्होंने सेव करके रखा हुआ है। इसकी मेंटेनेंस माशाल्लाह बहुत अच्छी है, वरना आपको मालूम है कि पुराने महलात में की हालत ज़ार कोई बहुत अच्छी नहीं होती। पाकिस्तान में हमारे विरसे की हिफाजत नहीं की जाती, लेकिन इसको माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तरीके से रखा गया है। ये आपको अगर नज़र आए तो ये वो गाड़ियां हैं, म्यूज़ियम के तौर पे इनको रखा हुआ है, नवाब साहब की यूज़ में रही। ये गाड़ी इस पर नवाब साहब हज पर गए थे पाकिस्तान से, और ये आप इसके पीछे नवाब साहब का स्पेशल कंटेनर देख रहे हैं, रूम कंटेनर। ये ज़िला भावलपुर, जो सबका रियासत भावलपुर थी, उसका विरसा मुलाहिज़ा फरमाएं आप। ये खान साहब की शाही बग्घी थी जिसको नूर महल में रखा गया है। ये देखिए जी, माशाल्लाह जी, बहुत खूबसूरत व्यू नूर महल का। अभी मैं आपको अंदर जाके भी इसका विज़िट कराता हूँ। तो नाज़रीन, मैं अब आपको नूर महल के अंदर ले जा रहा हूँ, आपको अंदर का व्यू विज़िट कराने। ये हम नूर महल में एंटर हो रहे हैं। माशाल्लाह जी, ये रियासत भावलपुर के दौर की आर्मी की तस्वीर है। ये जी हॉल है, दरबारी हॉल नूर महल भावलपुर का। ये दरबार ये कुछ पेंटिंग्स हैं उस दौर की, जब नवाब साहब अपने दौर में इस दरबार को लगाया करते थे। नवाब साहब और वायसराय इकट्ठे बैठे हुए हैं इसमें, और ये कुछ तारीखी पिक्चर्स जिनका हवाला मैं आपको देता चलूं। ये नवाब साहब और वायसराय बैठे हुए हैं। इसी तरह ये रियासत भावलपुर का मैप है, जो ओरिजिनल रियासत भावलपुर नवाब ऑफ भावलपुर सादिक खान अब्बासी पंजुम के दौर में हुआ करती थी। ये देखें, ये वो एक्चुअल मैप,
ये नूर महल की जो उस वक्त की तामीर शुदा महल की कुछ तस्वीर ज़ेर तामीर तस्वीर। ये रियासत बहावलपुर का लोगो, माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत। ये नवाब साहब का डमी बनी हुई है, उनका स्टैचू। ये फर्स्ट नवाब नवाब सादिक खान अब्बासी अव्वल रियासत बहावलपुर के पहले नवाब। इसी तरह मैं आपको तमाम नवाबों की तस्वीर दिखाते जा रहा हूँ। ये नवाब मोहम्मद अब्बासी बहावल खान अब्बासी अव्वल, ये नवाब मुबारक खान अब्बासी, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी दोम, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी दोम, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी सोम, नवाब सादिक मोहम्मद अब्बासी सोम, नवाब फतेह खान अब्बासी, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी चहारम, नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी चहारम, नवाब मोहम्मद बहावल खान अब्बासी पंजुम, और फाइनली ये नवाब सर मोहम्मद सादिक खान अब्बासी पंजुम, जो 1907 से लेकर 1955 तक नवाब रहे, नवाब ऑफ बहावलपुर रहे। ये हम जा रहे हैं नूर महल में एक म्यूज़ियम के हवाले से, जहाँ पे कुछ तस्वीर तारीखी लगी हुई हैं बहावलपुर की। इन्हें आप मुलाहिज़ा फरमाएं, माशाल्लाह तारीख को संभाल के तो रखा हुआ है। ये देखें जी, रियासत है बहावलपुर का अपना स्टेट बैंक, अपनी आर्मी हुआ करती थी, और अपनी ही करेंसी और अपना ही जो इनका जीपीओ टिकट हुआ करता था। ये रियासत है बहावलपुर की प्रेस, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस उस वक्त की, जो 1867 में कायम की गई। सादिक गैलरी, इसमें नवाब साहब के दौर में जो उनकी ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं वो दिखाई गई हैं, नवाब साहब की ज़ेर इस्तेमाल। तो ये ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन ड्रेसिंग टेबल के साथ एसी नहीं है ये इन्होंने अभी लगाया है। ये नवाब साहब की, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की तस्वीर। ये नवाब साहब की जो आर्मी की तस्वीर, उनकी जो आर्मी होती थी, उनकी नवाब साहब की जो आर्मी रियासत की होती थी, उसका नाम पेलिकन आर्मी होता था, और उस आर्मी का जो निशान होता था वो पेलिकन होता था, जो परिंदा है, जिस तरह आज हमारी पाकिस्तान आर्मी का जो एक लोगो के तौर पे निशान लिया जाता है मारखोर का, उसी तरह रियासत बहावलपुर की आर्मी का जो लोगों का निशान होता था वो पेलिकन होता था। ये Yeah.
बेडरूम उस वक़्त, और ये कुछ तारीखी तस्वीर बतौर म्यूज़ियम में रखी हुई हैं। इसमें प्रिंटिंग प्रेस भी है उस वक्त का, ये वो तारीखी प्रिंटिंग प्रेस, और ये कुछ मुबादरात, कुछ तस्वीरें जिनमें जीपीओ की टिकट, झंडे की तस्वीर रियासत की, और ये उस वक्त गलाफ़े काबा जो शायद नवाब सादिक साहब को मिला था तोहफे के तौर पर, ये उसके उस वक्त के स्टैम्प पेपर्स जो तारीखी हमियल तारीखी माशाल्लाह जी, ये यूनिफॉर्म है, मैं इनको पढ़ता हूँ। ये यूनिफॉर्म नवाब सादिक मोहम्मद खान अब्बासी पंजुम के एडीसी ब्रिगेडियर उस वक्त के कर्नल नज़ीर अली शाह का हुआ करता था जी। इसका मतलब ये आर्मी का ही यूनिफॉर्म था उस वक्त की, जो नवाब सादिक साहब के दौर में पेलकन आर्मी हुआ करती थी। ये देखिए जी, जानी सारी सूट की नकल, रॉयल शाही साजिना के सूट की नकल, ये देखिए जी, उस वक्त के नवादरात, ये तस्वीरें जिसमें उस वक्त के जो इलाकाई तस्वीरें दिखाई गई हैं, ये वो जानवर हैं जो चोलिस्तान में कुदरती तौर पर पाए जाते हैं, इनका शिकार भी सख्त ममनू है। ये भागलपुर रियासत की इलाकाई रली और अजरक, ये एक तस्वीर है जो किलर ड्राइवर से खींची गई है, और ये कुछ ऊँटों की आराइश के हवा के जो जेब जेबाइश के लिए इस्तेमाल किए होते हैं वो चीज़ें, ऊँट उस वक्त इलाका बड़ा, आज से कुछ 200 साल पहले ऊँट ही एक ऐसी सवारी होती थी जो तेज़ तरीन सवारी समझी जाती थी, क्योंकि चोलिस्तान में ऊँट जो है बग़ैर पानी के बहुत दूर तक सफ़र कर सकता था। और रियासत बहावलपुर आपको पता है कि तकरीबन 95% जो है वो चोलिस्तान पर आबाद था, तो लिहाजा चोलिस्तान में चलने के लिए सबसे बेहतरीन सवारी उस वक्त ऊँट हुआ करती थी, इसीलिए आपको तस्वीरों में सबसे ज़्यादा उस वक्त जो है वो ऊँटों की तादाद नज़र आएगी। ये सागवान की लकड़ी का टुकड़ा है जो नूर महल में की तामीर में इस्तेमाल हुआ, ये नूर महल में एक हैंडीक्राफ्ट की शॉप भी है जिसमें कुछ हैंडीक्राफ्ट्स हाथ से बनाई की चीज़ें फ़रोख के लिए दस्तयाब हैं। तो नाज़रीन, ये था नूर महल जिसका मैंने आज अल्हम्दुलिल्लाह आपको विज़िट कराया। बहुत खुशी हुई मुझे इस जगह पर आकर आपको विज़िट कराने की, बहुत ज़बरदस्त हमारा सकाफ़ती विरसा है नूर महल भावलपुर, जिसको मैंने आज आपके लिए विज़िट किया। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा,
दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।